तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल आई मीन कोर्स। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में हमने समझा था कि इंडिकेटर्स हमें किस तरीके से देखने एंड हम वहाँ पे वीकली एंड मंथली वीकली डेली बेसिस के ऊपर किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करके हम उसमें ट्रेड करने वाले। तो चलिए अभी जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता था कि मैं आपके साथ वो शीट शेयर करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेड ट्रेंड एंड मोमेंट। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम जो हमारा जो ट्रेंड रहेगा एमएसडी का, वो हम मंथली में देखेंगे, ठीक है। यानी अगर हमें मंथली में एमएसडी ने अप दिखाया एंड वीकली एंड जो मोमेंटम है यानी स्टॉक जो पर्टिकुलर स्टॉक है एंड उसने वीकली में भी अप दिखाया, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसी तरह हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले, मान लो 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वीकली में ट्रेंड अप देखेंगे एंड डेली में भी अप देखेंगे। यानी अगर वीकली एंड डेली अगर हमारा ये दो टाइम फ्रेम मैच हो जाते तो फिर हम वहाँ पे बाई करेंगे। उसी तरह पोजिशनल के लिए, मान लो अगर हाँ पोजिशनल यानी 4 दिन के लिए या फिर हफ्ते भर के लिए लेना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एमएससीडी को देखेंगे डेली में एंड जो हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई रहेगा वो रहेगा हमारा 1 आवर में, तो सो दैट हम उसमें भी बाय कर सकते हैं। एंड अगर मान लो हमें आज बाय कर रहे हैं एंड कल बेचना है, ठीक है, तो इस कंडीशन में बहुत बार ये होता है कि आपको बहुत बार लगता है कि यार कल ये अगर ये स्टॉक मैंने कल बाय करके रख दिया होता तो आज मुझे बहुत आज मार्केट सीधा गैप अप हो गया एंड वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। आप वो किस तरीके से देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप जो ट्रेंड देखने वाले वहाँ पे वो रहेगा 4 आवर का ट्रेंड देखेंगे यानी एमएससीडी देखेंगे 4 आवर में एंड जो मोमेंटम रहेगा यानी स्टोकेस्टिक एंड आरएसआई वो रहेगा हमारा 1 आवर में रहेगा। तो उस हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। एंड जैसे कि आप सब लोग मतलब इंट्राडे के प्लेयर हो, सबको इंट्राडे करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इंट्राडे के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन ट्रेंड रहेगा यानी जो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम यानी एमएससीडी, वो जो ट्रेंड रहेगा वो रहेगा 1 आवर का, यानी हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेड करेंगे यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। सो 1 आवर का हम एमएसडी देखेंगे एंड मोमेंटम हम 15 मिनट में जनरेट करेंगे, यानी जहाँ पे भी हमें मोमेंटम दिख रहा है 15 मिनट में हम उस साइड में जाएंगे, चाहे वो सेल साइड में हो या फिर बाय साइड में, ठीक है। अगर हमें बाय करना है तो हमारा एमएसडी भी बाय होना चाहिए यानी बाय सिग्नल देना चाहिए एंड 15 मिनट में स्टोकेस्टिक ने भी बाय सिग्नल देना चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। सिमिलरली सेलिंग के लिए भी अगर सेलिंग करना चाहते हो आप, तो वहाँ पे भी आप सेम तरीके आपको फॉलो करना है। जो हमारा हाँ ट्रेंड रहेगा यानी एमएसडी रहेगा वो रहेगा डाउन 1 आवर में एंड जो मोमेंटम रहेगा वो हमारा 15 मिनट में स्टोकेस्टिक डाउन होना चाहिए, तभी हम उसमें सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एमएसडी रहेगा 15 मिनट का एंड स्टॉक, ये मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। एंड अगर मान लो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 15 मिनट का ट्रेंड एंड 3 मिनट का मोमेंटम। अगर आप बैंक निफ्टी में करना चाहते हो तो फिर वो ये टाइम फ्रेम जो मोमेंटम जो रहेगा वो रहेगा 1 मिनट का, तो वो हम पूरी तरीके से हम ऑप्शन बाइंग जो है बाइंग का जो रहेगा हमारा मॉड्यूल उसमें हम सीखेंगे। तो अभी के लिए आप ये सारी चीज़ें जो वो नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए एंड उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैंने अभी एक स्टॉक ओपन किया है, ठीक है, टाटा स्टील। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर्स हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमें डेली में बाय करना है तो जो हमारा ट्रेंड रहेगा वो रहेगा वीकली में, राइट। डेली में अगर हम बाय करेंगे तो जो ये रहेगा हमारा, अगर डेली में बाय करना चाहते हैं हम तो फिर हमारा वीकली में रहेगा, सॉरी यहाँ पे मैं एक लिखना भूल गया शायद, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अगर डेली में, देखिए यहाँ पे है, सॉरी मुझे लगा मैं इससे कुछ मिस हो गया, लेकिन नहीं। देखिए हम डेली में अगर मोमेंटम में डेली में बाय करना चाहते हैं तो जो हमारा मेजर ट्रेंड रहेगा, क्योंकि हम मेजर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है, छोटे ट्रेंड को हम फॉलो नहीं करते। छोटे ट्रेंड में हम सिर्फ मोमेंटम ट्रेड लेते हैं। जो हमारा मेजर ट्रेंड रहता है, हम जो मोस्टली जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेंड के हिसाब से करते हैं। तो अगर हमें डेली में बाय सेल करना है तो हम उसका जो मेजर ट्रेंड देखेंगे वो देखेंगे वीकली में,
अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड वीकली में हम देखेंगे सबसे पहले, तो वीकली में देखिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिख रहा है हमें। मार्केट ने देखिए अप ट्रेंड यानी एमएसडी ने अप ट्रेंड दिखाया हमें यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो स्टॉकेस्टिक है वो अभी हम देखेंगे डेली में। स्टॉकेस्टिक भी अब यहाँ पे देखिए, एंड अभी हम देखेंगे कि आरएसआई अबव 60 है या नहीं है। अगर हमें अच्छा मोमेंटम चाहिए तो फिर आरएसआई अबव 60 होना चाहिए, सो दैट हमें एक मोमेंटम फास्ट फास्ट मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर सेलिंग की तरफ जाएंगे हम, तो हमें जो मोमेंट है वो हमें बिलो 40 चाहिए। अगर आप बाय करने के लिए सोच रहे हो एंड जो आरएसआई जो वो अगर बिलो 40 है, तो फिर आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मोमेंटम है ही नहीं, आप मार्केट नीचे जा रहा है ना, आप उसको बाय करने की सोच रहे हो। तो अगर हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको बाय करना है तो आरएसआई अबव 60 होना ज़रूरी है, और एटलीस्ट 40 के नीचे नहीं होना चाहिए। 40 के ऊपर भी रहेगा तो भी चलेगा, 40 के ऊपर आप कुछ बॉटम फिशिंग वगैरह कर सकते हो, एंड एक अच्छा ट्रेंड के लिए आप अबव 60 होना चाहिए। तो अभी हम स्टॉकिस्टिक देख लेते हैं, स्टॉकिस्टिक भी मैच हो गया, आरएसआई भी मैच हो गया, तो अभी हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक अच्छा एक ब्रेकआउट भी दिख रहा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। जैसे देखिए हमारी सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें अभी बाइंग के लिए हम देख रहे हैं, तो हमारा वीकली का ट्रेंड भी मैच हो गया, जो एमएसडी था वो भी अप है, डेली का जो मोमेंटम है हमारा स्टॉकेस्टिक वो भी अप है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तब देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पे क्या रेंज था, प्राइस था अराउंड 430 के आसपास। हम राउंड फिगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे 430 के आसपास था। एंड देखिए जैसे हमारा ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मार्केट कहाँ तक गया, देखिए मार्केट ऐसे सीधा ऊपर ही जा रहा था। देखिए 430 से मार्केट करीब करीब 650 तक गया यहाँ से, वो भी कितने दिनों में, सिर्फ कितने दिनों में गया वो भी हम देख लेते हैं। यानी सिर्फ अराउंड अराउंड 1 से 1.25 महीने के आसपास आपको ये जो सारा मोमेंट है वो मिल गया। एंड वैसे अगर हम दिन देखोगे तो 26 डेज में हुए, लेकिन कुछ सैटरडे संडे हॉलीडेज मिला के कभी कभी 1.25 महीने के आसपास इसमें लगा है, तो एक इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे अच्छी तरीके से बन रही थी। तो ये जो हमारा ट्रेड बन रहा था वो किस हिसाब से बन रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्विंग ट्रेडिंग यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा था, यानी अगर आपने ये मान लो, मैंने इसमें खुद बाय किया था, फ्यूचर्स में मैंने बाय किया था, कुछ ऑप्शन भी बाय किए थे, फ्यूचर्स मैंने जल्दी निकाल दिए थे इस लेवल के आसपास। एंड वो फिर उसके बाद मैंने कुछ नेक्स्ट मंथ के यहाँ पे मैंने कॉल्स ऐड किए थे, उसमें भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया यहाँ पे टाटा स्टील। तो देखिए फिर इस तरीके से मोमेंटम जनरेट हुआ, क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे किस हमें इतनी अच्छी मोमेंट क्यों मिली यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने बड़े ट्रेंड को फॉलो किया। यानी वीकली में हमने देखा कि एमएसडी ने हमें अब दिए अब ट्रेंड दिखाया था, तो उसके हिसाब से हमने वहाँ पे बाय कर लिया, एंड जो मोमेंटम था वो भी हमारे फेवर में था। यानी ये सारी चीज़ें बनी, बड़ा ट्रेंड भी हमारे फेवर में था एंड मोमेंटम भी हमारे फेवर में था, इसकी वजह से हमने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला। अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वीकली ट्रेंड देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा वीकली ट्रेंड दिखा रहा है एमएसडी, बहुत ही अब मतलब एग्रेसिव तरीके से अब दिखा रहा है यहाँ पे। और अभी हम क्या करेंगे कि हम डेली में देखेंगे कि स्टॉकेस्टिक क्या कर रहा है, क्योंकि हमें
अभी हमें मेजर ट्रेंड तो हमें पता चल गया कि मेजर ट्रेंड अभी इसका आप है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली में अभी ये क्या कर रहा है, दिल्ली में हमें अप ट्रेंड मिला है या फिर नहीं मिला है। तो दिल्ली में भी देखिए हमारा ये भी हमारे प्योर में, यानी मंथली में हमारा एमएसडी, हमारे सॉरी वीकली में एमएसडी, यानी जो ट्रेंड है वो हमारे फेवर में है, एंड जो मोमेंटम है स्टॉकेस्टिक वो भी हमारे फेवर में है, वो डेली में हमारे फेयर में। तो जैसे ही देखिए जैसे ही हमारा ये लेवल कट जाता है यहाँ पे, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ब्रेकआउट था यहाँ पे। तो जैसे जैसे ही इस ब्रेकआउट के आस, देखिए जब भी आपको कुछ मैं आपके आपको ना आप एक ब्रेकआउट का भी सेटअप देने वाला हूँ, तो अभी हम बेसिक सेटअप देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के। ये सेटअप जो है वो आपको इंट्राडे में भी काम आएगा, वीकली में यानी पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काम आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम आएगा, तो इसको समझ लीजिएगा। तो देखिए जैसे 220 का लेवल कट गया, देखिए मार्केट कहाँ से देखिए सीधा वन साइड गया, क्यों, क्योंकि हमने बड़े ट्रेंड को हमने फॉलो किया था। देखिए 220 से मार्केट देखिए सीधा ऊपर ऊपर गया, दो सौ बीस से लेके मार्केट देखिए मार्केट काफी जाके रुका है, ठीक है, यानी 220 से लेके मार्केट 435 तक गया था, यानी डबल यहाँ पे सिर्फ कुछ ही दिनों में, यानी 2 महीने के अंदर अंदर हमारे पैसे यहाँ पे डबल हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि हमने बड़े ट्रेंड को फॉलो किया। तो इसी तरीके से आप भी बड़े ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, एंड सेम तरीके से आप इंट्राडे भी कर सकते हो। इंट्राडे में आपको क्या करना है, आपको जो बड़ा ट्रेंड है यानी एमएससीडी का ट्रेंड देखना है, अगर वो आपको 1 आवर में मिल रहा है, एंड जो मोमेंटम है वो अगर 15 मिनट, यानी अगर दोनों ट्रेंड आपके मैच हो जाते, यानी 1 आवर में एमएसडी एंड 15 मिनट में स्टॉकेस्टिक एंड आरएसआई, अगर ये सारी चीज़ें आपके फेवर में है तो फिर आप भी एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, एंड ये जो मैं चीज़ आपको दे रहा हूँ ना वो समझ लीजिए आप कि आप ये चीज़ें आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली। आप चाहे किसी को 1 लाख रुपये दो या फिर 2 लाख रुपये दे, ठीक है, ठीक है, आप कितने भी अच्छे अच्छे कोर्सेज करो ये चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, बहुत लाखों रुपए का मतलब मार्केट में लूज करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। तो ये जो आपको फ्री में मिला है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको कुछ वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। आप अगर इसको लाइव मार्केट में यूज़ करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 80% हमारा जो 80% ऑफ द टाइम ये सारी चीज़ें काम करती है, ठीक है। मैं 100% नहीं बोल रहा कि 100% काम करती है, लेकिन 80% ये चीज़ें काम करती है। आप बस आपको थोड़ा सा इसके साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से यहाँ पे होता है, तो अभी हम कुछ सेलिंग के भी एग्जांपल देख लेंगे, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड, थैंक यू।